अब तक आपने सैकड़ों गणेश मंदिर देखे होंगे जिनकी प्रतिमा अति प्राचीन है। इन मंदिरों में चमत्कार की कहानी भी खूब सुनी होगी, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में धार्मिक नगरी उज्जैन के चक्रतीर्थ में गणेश मंदिर की। शमशान घाट में इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री गणेश की अत्यंत चमत्कारी व दुर्लभ प्रतिमा है। इस तरह का मंदिर संपूर्ण विश्व में कहीं और नहीं है। मंदिर के पुजारी पंडित हेमंत इंगले बताते हैं कि चक्रतीर्थ शमशान घाट स्थित ये मंदिर विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां श्री गणेश शमशान में विराजमान है। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में इसका उल्लेख मिलता है। कहा गया है कि इस मंदिर की स्थापना मंगल ग्रह के द्वारा की गई थी। वैसे तो सभी गणेश प्रतिमाओं के हाथ में लड्डू होते हैं, लेकिन इस 10 भुजाओं वाली प्रतिमा में भगवान श्री गणेश के हाथों में अलग अलग 10 शक्तियां हैं। इसके साथ ही वे अपनी गोद में पुत्री माता संतोषी को लेकर बैठे हैं और आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। चमत्कारी है ये गणेश प्रतिमा। भगवान श्री गणेश की ये प्रतिमा अत्यंत चमत्कारी है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में 5 बुधवार दर्शन पूजन करने से भक्तों की समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर में प्रति बुधवार को भगवान की पूजन अर्चन व अभिषेक के साथ विशेष आयोजन भी होते हैं। यहाँ गणपति उत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें नगर और प्रदेश ही नहीं बल्कि भगवान श्री गणेश के भक्त देश विदेश से आकर शामिल होते हैं। तांत्रिक करते हैं सिद्धियां पूर्ण। चक्रतीर्थ शमशान घाट पर सिद्धियों की प्राप्ति के लिए तांत्रिकों द्वारा अनेक अनुष्ठान किए जाते हैं। तांत्रिक शमशान घाट पर सिद्धियों को प्राप्त तो करते हैं, लेकिन इन सिद्धियों को पूर्णता भगवान गणेश के दर्शनों के बाद ही होती है। तांत्रिक मंदिर में पूजन अर्चन व दर्शन के बाद ही अपनी सिद्धियों की पूर्णता मानते हैं। यहाँ बनाते हैं उल्टा स्वास्तिक। मंदिर में अनेकों श्रद्धालु अपनी मनोकामना को लेकर उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं। बताया जाता है कि मंदिर में उल्टा स्वास्तिक बनाकर कार्य पूर्णता के लिए मनोकामना मांगी जाती है। वही मनोकामना पूर्ण होने पर सीधा स्वास्तिक बनाकर श्रद्धालु भगवान का पूजन अर्चन करते हैं। उनकी कृपा के लिए धन्यवाद देकर उनका आशीर्वाद बनाए रखने की कामना भी करते हैं। मंगल ने की थी 14 वर्षों तक तपस्या। मंदिर के पुजारी हेमंत इंगले बताते हैं कि भगवान मंगल ने ही 10 भुजाधारी गणेश की स्थापना की थी और इसी मंदिर पर उन्होंने 14 वर्षों तक तपस्या भी की थी। पुराणों में उल्लेखित है कि 10 भुजाधारी गणेश की तपस्या से उन्हें भगवान अंगारेश्वर की तपस्या करने का ज्ञान प्राप्त हुआ था, जहां 16 वर्ष तक तपस्या करने के बाद भगवान अंगारेश्वर ने उन्हें शिवलिंग के रूप मंगलनाथ मंदिर में स्थापित होने का आशीर्वाद दिया था, जहां से ये जन कल्याण कर जन जन की पीड़ा दूर कर रहे हैं। क्या कहते हैं श्रद्धालु? भगवान श्री गणेश का ये मंदिर अत्यंत चमत्कारी है। श्रद्धालुओं को कहना है कि वो बुधवार और रविवार को मंदिर में भगवान की पूजा दर्शन करने के लिए ज़रूर आते हैं। एक श्रद्धालु ने बताया कि 10 पूजाधारी गणेश में उनकी आस्था है और उन्होंने ही उनके सारे कष्टों को दूर कर मनोकामनाओं को पूर्ण किया है। मंदिर के बारे में जो भी सुना वही सही पाया। श्रद्धालु बताते हैं कि मैं इंदौर का निवासी हूं और पिछले कई वर्षों से 10 भुजाधारी गणेश के दर्शन करने आ रहा हूं। कुछ वर्षों पूर्व मुझे इस मंदिर के चमत्कारों की जानकारी मिली थी। मैंने भी जब से भगवान श्री गणेश के दर्शन किए हैं तभी से मेरी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं। वीडियो डेस्क jeevanjali.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।